यह कहानी एक विठल भक्त गोरा कुंभार की है। घुबरी अवतरी रंग रूप है विठल विठल माउली भीवरे चेतिरी निज सुख है विठल विठल माउली युगे युगे बीते बरी शोभ कर छटा बरी अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विठल की आरती में आए हैं। कुछ समय उस विठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विठल भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विठल ने तुम्हें मेरी अर्धांगनी के रूप में चुना और ये नन्ना बालक भी उसी विठल की ही देन है। हाँ हाँ, विठल की ही देन है, तो उसे विठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में बिठा कर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड़ प्यार उस विठल पर ही नौछावर कर दोगे तो इस नन्हे विठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। विठल, अब दोनों विठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है, ध्यान रखिएगा। आज अपने विठल के लिए मटका बनाऊंगा और प्रतिदिन उस मटके में पानी भर के अपने विठल को स्नान कराऊंगा। सवारी चा घेतला पावलानी आवाळ वंची तुझी सावली कळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी। सारा जगाचा परी तू आम्हाले करांची री तू माऊली
बाबू बाबू अरे कैसे बताओ तुम, अब तेरी बच्ची को अपने पैरों तले रोन कर भी खैराची संगत खोट्याची धरू नको होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको येईल दिवस तुझाही माणसा जिगर सोडू नको तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे धन्य है तू गोरा, तूने इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने विट्ठल का साथ नहीं छोड़ा। तुझ जैसे भक्त पर हमें गर्व है। तुम भी धन्य हो माते जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई। जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है वैसे ही मेरे लिए है, और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता।